हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी पर। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कक्षा 10वीं गणित अध्याय 9 त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्वसमी का। इसकी प्रश्नावली 2 में पहला के अंदर टोटल 5 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे? 5 प्रश्न, जिसमें से हम लोग 4 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो आज एक क्वेश्चन बचा हुआ है, ये क्वेश्चन आज हम खत्म करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके अगले एक्सरसाइज, मतलब अगले प्रश्नावली 3 को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको कोई भी वीडियो डलेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, दिए गए समीकरण त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल कीजिए जहाँ थीटा का जो वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 90 से छोटा या 90 के बराबर। तो हम लोगों ने एक त्रिकोणमिति टेबल बनाया हुआ है जिसमें साइन और कॉस के वैल्यू को यहाँ पे दर्शाया है। बाकी साइन और कॉस के माध्यम से बाकी 4 त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकल जाता है, इसलिए उसे लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है, ठीक, वो निकल जाता है। तो इस समीकरण को हमें हल करना है। ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार बार रिपीट होता है पेपर में और आता है डायरेक्ट ये 6 नंबर में, ठीक। तो ध्यान से देखेंगे, तो इसको हम लोग हल करते हैं। ये देखिए, ठीक, इनसे क्या करूँगा, देखिए ऊपर में भी कॉस है, ऊपर में भी कॉस है दोनों के पास, तो दोनों से मैं कॉस थीटा को कॉमन लूँगा। जब कॉस थीटा कॉमन निकलेगा तो वहाँ पर बचेगा 1 और नीचे में बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। क्या बचेगा? 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे है प्लस, यहाँ से कॉस निकल चुका है तो ये बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और बराबर में है आपका 4। समीकरण को हल करना है अर्थात थीटा का वैल्यू निकलेगा, ध्यान रखना किसका वैल्यू निकलेगा, थीटा का, ठीक। अब 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन, इनके दोनों के हर अलग अलग हैं। जब हर अलग अलग होते हैं तो उनको हम त्रिक गुणा करते हैं इधर और इनका इधर, और नीचे भी आपस में गुणा होता है, तो ये कॉस को हम सेम लिखेंगे, कॉस थीटा। चलिए 1 प्लस साइन का 1 के साथ गुणा, तो 1 वहाँ से हट जाएगा, ये 1 प्लस साइन थीटा का 1 से गुणा होगा तो 1 वहाँ से गायब हो जाएगा, फिर ये प्लस का प्लस, 1 माइनस साइन का 1 से गुणा तो 1 हट जाएगा वहाँ से, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। गुणा तो आपको आता होगा, ठीक। नीचे वालों को भी हम आपस में गुणा करेंगे, मतलब 1 माइनस साइन थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या है आपका, 4 है, ठीक। 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन, यहाँ एक फार्मूला आपको दिख गया होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इनका फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए a माइनस बी अर्थात 1 माइनस साइन, ए प्लस बी अर्थात 1 प्लस साइन, तो a की जगह आपको दिख रहा है 1 और b की जगह आपको दिख रहा है साइन, तो इसमें लिखेंगे तो a की जगह क्या आएगा 1 और b की जगह क्या आएगा साइन, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये कॉस का कॉस रहेगा, कॉस थीटा, यहाँ से साइन और साइन आपस में कट जाएंगे, एक और एक जुड़ के हो जाएंगे 2 और नीचे में आएगा 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है आपका 4, ठीक। 2 यहाँ पे ऊपर में है तो इसका पक्षांतर होगा इसके नीचे में, ठीक, इनको पक्षांतर कर देते हैं। साथ साथ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये समीकरण आप सबको याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, हमको चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को हम पक्षांतर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान मिलेगा हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, साथ ही साथ 2 को पक्षांतर करूंगा, कॉस यहाँ आ जाएगा तो ये कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बराबर 2 इनके बटे में जाएगा तो 4/2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ स्क्वायर है और यहाँ पे एक बार है कॉस, तो एक एक कट जाएगा, तो ये ऊपर में 1 बचेगा और नीचे में कॉस, तो हम इसको लिखेंगे 1/2 कॉस थीटा, और इनको 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो इधर आ जाएगा आपका 2। अब एक काम करिए, कॉस को 2 की जगह ले जाइए और 2 को कॉस की जगह, मतलब इनका त्रिक गुणा, क्योंकि हमें कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, तो इनको हम पक्षांतर करेंगे
तो दो इधर आएगा तो एक बटे दो और कॉस वहाँ पे चला जाएगा, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये यहाँ जाएगा तो दो इनके नीचे में आएगा, मतलब एक बटे दो बराबर कॉस थीटा, एक बटे दो बराबर कॉस थीटा। अब टेबल में हम देखेंगे कॉस के लाइन में एक बटे दो में कितने अंश का कोण बनता है, तो देखिए ये कॉस का लाइन है, आपको यहाँ पे मिला एक बटे दो, तो यहाँ से हम सीधा कोण में जाएंगे तो बनता है आपका 60 अंश का कोण। ये थीटा का वैल्यू होता है, 60 को जब हम यहाँ रखेंगे तो कॉस 60 अंश होगा और कॉस 60 अंश का मान होता है एक बटे दो। यहाँ आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कॉस 60 अंश इक्वल टू 1/2, क्या होता है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 को हम लिख सकते हैं कॉस 60 अंश और ये बराबर का कॉस थीटा, कॉस से कॉस हट जाएगा तो थीटा का वैल्यू मिल जाएगा हमें 60 डिग्री, क्या मिल जाएगा 60 डिग्री। ठीक, तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन बचा हुआ था, जो प्रश्न वाले 3 हैं उसका हम नया वीडियो लाएंगे, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो बस एक छोटा सा वीडियो बनाना था इसका, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।